हेलो गाइस, मैं हूँ भानु शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जूलो स्टडी 99। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने जूलॉजी ऑप्शनल लिया है। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जितनी भी न्यू वीडियोज़ अपलोड हों तो सबसे पहले आप तक वो सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज जूलॉजी में। हम सबसे पहले आज सेल चैप्टर को स्टडी करते हैं। तो व्हाट इज़ अ सेल? The definition of the cell, do you know about that? The definition of cell is the cell is the functional and structural unit of the body in which all biochemical reactions are taken place. This is called the cell definition. And the definition of cell is the functional and structural unit of body in which all biochemical reactions are taken place. So this is the definition of the cell. Did you understand or not? And this is the confirmed definition of the cell. And next one is the who discovered the cell? किसने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को किया। जो डेड सेल थी वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और कॉर्क की एक स्लाइस को लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा गया तो उन्होंने देखा कि जो ये जो कॉर्क है वो उसके अंदर क्या होते हैं, वो डेड सेल्स होती है। लेकिन लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल को एंटन वन लेवेनहेक ने डिस्कवर किया। उसके बाद फिर सेल थ्योरी आई थी, सेल थ्योरी थी। और 1838 में सेल थ्योरी जो जिसने दी थी उनका नेम था मेल्थियस सेक्लेडॉन एंड थियोडोर सक्वान। तो जो सेल थ्योरी थी सबसे पहले वो किसने पोस्टुलेट की थी? मेल्थियस सेक्लेडॉन और थियोडोर सक्वान ने सबसे पहले पोस्टुलेट की थी। इन्होंने 1838 में, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किया। और इन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने टू प्रिंसिपल्स दिए। फर्स्ट इज द ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ द सेल्स, और सेकंड दिया था इन्होंने ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ द सेल्स। लेकिन जो थियोडोर जो सक्वान थे इन्होंने 1839 में इन्होंने पोस्टुलेट किया, और इन्होंने कहा कि सेल इज कवर्ड बाय द आउटर कवरिंग, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या कहा? जो सेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। तो जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं वो सेमी परमेबल होती है। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। बट ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ये ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि न्यू सेल्स कैसे बनती है। तो उसको किसने पोस्टुलेट किया? दैट वॉज अ रुडोल्फ विर्गो। रुडोल्फ विर्गो थे जिन्होंने पोस्टुलेट किया था ऑल न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने क्या कहा था? ऑल सेल्स आर मेड फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड इन्होंने कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ दी सेल्स। इन्होंने टू प्रिंसिपल्स दिए थे उसके बाद। और 1855 में इन्होंने ये पोस्टुलेट किया था। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स आर देयर प्रेजेंट इन द बॉडी। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल्स। फर्स्ट इज द सोमेटिक सेल,
सेकेंड वन इज द जेनोमेटिक सेल। सोमेटिक या जेनोमेटिक सेल्स क्या होती है? सोमेटिक सेल्स वो होती हैं जो हमारी बॉडी के एवरी ऑर्गन्स में वो प्रेजेंट होती है, लेकिन जेनोमेटिक सेल्स वो होती हैं, टेक इंस्टेंस जितने भी गैमेट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो जेनोमेटिक सेल्स होते हैं। टेक स्पर्म एंड ओव्यूम, स्पर्म एंड ओव्यूम्स आर दी जेनोमेटिक सेल, और जितने भी गैमेट्स हैं इनको छोड़ करके और जितनी भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, नोज आईज एवरीवेयर, दीज आर कॉल्ड दी सोमेटिक सेल। एंड और हम आगे बात करेंगे सोमेटिक सेल जो है, सोमेटिक सेल के अंदर कैसे एक सेल टू सेल्स में डिवाइड हो जाती है। सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, और जो जेनोमेटिक सेल होती है उसके अंदर जो है मियोसिस डिवीजन होता है। लेकिन माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है जो 46 क्रोमोसोम किसी सेल के अंदर हो, जब वो डिवाइड होती है, जब डिवाइड होने पे डॉटर सेल्स बनती है, डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम अगर सेम एज अ पेरेंट सेल की तरह अगर 46 क्रोमोसोम इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड द माइटोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन में होता है जब एक सेल्स जब टू सेल्स जब फॉर्म जब बनती हैं तो उनमें क्या होता है, हाफ ऑफ क्रोमोसोम उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एक सेल से जब टू सेल्स जब बनती हैं, हाफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम बिटवीन द टू सेल्स फ्रॉम द वन पेरेंट सेल दैट इज कॉल्ड द मियोसिस डिवीजन। तो सोमेटिक सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन समझ गए होंगे, जिसमें सेम क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स के अंदर आते हैं, डॉटर सेल के अंदर आते हैं, दैट इज अ पेरेंट सेल, जेनोमेटिक सेल। वॉट इज अ जेनोमेटिक सेल? स्पोस्पर्म, दिस इज अ सिंगुलर सेल व्हेन इट इज डिवाइड into two cells, so it has 46 chromosome when it is divided into the two cells, so it makes a 23-23 distribution of the chromosome between two cells. So this division is called the meiosis division. So आप समझ गए होंगे कितने types की cells present होती हैं body में। टू टाइप्स की सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम सेल के आगे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं, ऑल बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, और सभी बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी यूकैरियोटिक्स होते हैं। टेक इंस्टेंस ऑलगेस फंजाई मेमल्स इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स ऑल दिस आर द यूकैरियोटिक्स। सो प्रोकैरियोटिक्स की सेल जो होती है वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफर होती है वो हम आज हम डिस्कस करेंगे। जो प्रोकैरियोटिक्स इट मीन्स बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट होती है। सो दिस इज द बैक्टीरियल सेल, नाउ लेट्स स्टार्ट इट। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, एंड दिस इज अ मेसोसोम, एंड दिस इज कवर्ड बाय द थ्री लेयर, दिस इज आउटर मोस्ट दैट इज कॉल्ड दी ग्लाइकोकैलिक्स, एंड मिडिल वन दैट इज कॉल्ड दी सेल वॉल, एंड इनर मोस्ट दैट इज कॉल्ड दी सेल मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यू नो व्हाट दैट? ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो माइक्रोमोलिक्यूल से बनी हुई होती है, इसकी कंपोजिशन और सेट हर किसी बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। ग्लाइकोकैलिक्स की कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स की जगह क्या होता है, स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइम लेयर? स्लाइम लेयर का फंक्शन होता है कि वो बैक्टीरिया की जो सेल है उससे जितना भी जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उनको मॉनिटराइजिंग करने, उनको कंट्रोल करने का काम करती है जो स्लाइम लेयर होती है। और जो कैप्सूल होता है, कुछ ग्लाइकोकैलिक्स की जगह कुछ बैक्टीरियाज में कैप्सूल होता है। कैप्सूल का वर्क होता है कि सेल को वो स्टिकी
स्टिकी फीचर देता है और सेल की जो शेप है उसको बरकरार रखता है. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? एंड ग्लाइकोकैरिज के बारे में आप समझ गए होंगे, सेल वॉल. और लेकिन सेल वॉल होती है वो, दिस इज मेड बाय द पेप्टिडोग्लाइकन एंड दिस इज अ म्यूरिन. कौन से टाइप का पेप्टिडोग्लाइकन होता है? वो म्यूरिन. एंड सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का फंक्शन होता है कि ये क्या फंक्शन करती है कि ये इसकी जो शेप स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करती है. और सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी इसकी शेप को स्टिकी रखती है और सेल ऑर्गेनल्स को भी ये बरकरार रखती है जैसे एज इट इज होते हैं. और साइटोप्लाज्म को भी ये हेल्प करती है और मेसोप्लाज्म को अटैचमेंट में ये हेल्पफुल होती है. सो दिस इज अ मेसोसोम, दिस इज हियर मेसोसोम. नेक्स्ट वन इज द एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेसोसोम? ये बैक्टीरिया की पूरी सेल है और ये 3 लेयर से आउटर कवरिंग है. ये न्यूक्लियोइड है. जिस बैक्टीरिया की सेल होती है ना तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, उसमें कोई भी ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है एज ए यूकैरियोटिक सेल हैज. लेकिन इसमें कुछ एक एक्सेप्शनल है जो कि प्रेजेंट, दैट्स अ राइबोसोम. राइबोसोम जो होता है वो उसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है. दोनों में प्रेजेंट होता है राइबोसोम. लेकिन राइबोसोम की जो डेंसिटी और साइज होता है वो बैक्टीरिया सेल में स्मॉल होता है. इनमें 70S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. सेडिमेंटेशन विच मींस द डेंसिटी एंड साइज ऑफ द राइबोसोम. 70S की सब यूनिट्स होती है 50S एंड 30S. ये सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है. तो आपको पता चल गया होगा, पता चल गया होगा कि राइबोसोम जो होता है वो कौन सी सेडिमेंटेशन का होता है, दैट इज द 70S विच इज फाउंड इन द बैक्टीरिया सेल. एंड नेक्स्ट वन इज दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेसोसोम? द मेसोसोम एक्ट एज अ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द लार्जेस्ट वन ऑर्गन विच इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. एंड राइबोसोम दैट इज द स्मॉलेस्ट वन ऑर्गन दैट इज फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल. So let's start. What is the function of mesosome? The function of the mesosome that is help in the DNA replication, help in also respiration, and help in the extension of the cell membrane. और ये सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंशन में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन को ये बनाने में हेल्पफुल होता है. इसलिए सेल मेसोसोम का फंक्शन, क्योंकि मेसोसोम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच होता है. और ये और इसका फंक्शन होता है रेस्पायरेशन करना. इस जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी प्रोसेस होती है वो सभी प्रोसेस बैक्टीरिया के अंदर मेसोसोम में टेकन प्लेस होती है. और साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर और न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियोइड जो होता है वो न्यूक्लियोइड होता है वो विदाउट सेल मेम्ब्रेन होता है. और स्पेशली एक स्पेसिफिक बात बताती हूँ, जो राइबोसोम होता है वो ऐसा ऑर्गेनेल है जिसकी कोई आउटर कवरिंग नहीं होती, ना ही सेल, ना ही तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ना ही यूकैरियोटिक के अंदर. और सेंट्रियोल भी आल्सो विच हैज नॉट कवर्ड बाय द एनी टाइप ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सो प्लीज नोट इट इन योर माइंड. आप समझ गए होंगे जो न्यूक्लियोइड होता है न्यूक्लियोइड का फंक्शन क्या होता है. इसमें लेकिन जो बैक्टीरिया का जो वो होता है डीएनए होता है वो सिंगुलर सर्कुलर डीएनए होता है. डीएनए होता है दैट इज अ ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया सेल में. इसके बिसाइड इसके बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए होता है. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए? प्लाज्मिड डीएनए का फंक्शन होता है कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसको ये डिटरमाइन करता है प्लाज्मिड डीएनए. और इसको डीएनए की जो सेल होती है उसको रेजिस्टेंस करता है एंटीबायोटिक्स से. एंड कुछ बैक्टीरिया सेल में कुछ ऑर्गेनल्स भी होते हैं जैसे फिम्ब्रे पी हो गया और फ्लेजला हो गया. ये फ्लेजला
दे आर मेंट एज अ फ्लैजेला आर फाउंड इन द बैक्टीरिया सेल इन डिफरेंट बैक्टीरिया सेल्स आल्सो फ्लैजेला की जो फंक्शंस हैं वो क्या क्या हैं. इनका फंक्शन होता है कि ये मोटिलिटी में क्या है वो हेल्पफुल होता है. और जो पिली होती है दैट इज अ पिली दिस इज हेयर. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिली इट इज मेड बाय द प्रोटीन दैट इज द नेम ऑफ द प्रोटीन इज द पिलीन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिम्ब्रे फिम्ब्रे इज ऑल्सो मेड ऑफ द प्रोटीन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे and it help in the attachment of the bacteria with the host cell. जब bacteria किसी host की body में जब attach होता है तो उसमें कौन helpful होता है? Fimbriae. तो समझ गए होंगे आप. तो उसके बाद हम बात करते हैं polyribosomes. और pilin का function क्या था? जो ये pilin थी इसका function था ये मेटिंग प्रोसेस में और ट्रांसफर द वन डीएनए टू द अनदर डीएनए. इसका ये फंक्शन होता है. राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज अ राइबोसोम? हाउ इज इट मेड? इट इज मेड बाय द व्हेन राइबोसोम इज अटैच विद द एमआरएनए इट मेक द पॉलीराइबोसोम्स. पॉलीराइबोसोम का फंक्शन और जो इसके साथ अटैच होते हैं राइबोसोम जब अटैच होता है एमआरएनए के साथ देन ये राइबोसोम क्या फंक्शन करता है जब इसके साथ अटैच हो ये क्या करता है एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है. इसमें कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है. तो आपको इसका समझ में आ गया होगा कि इसका फंक्शन क्या होता है. सो फुली और सेल वॉल आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी हुई होती है. तो मोस्टली आपका जो प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो आपका टोटली कवर हो चुका है. लेकिन जो मेसोसोम है वो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें फाउंड होती है. बिकॉज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो अल्कोहल के साथ जब उनको वॉश किया जाता है तो वो कौन सा कलर देते हैं? वो ब्लू कलर देते हैं. और उनके अंदर इट मीन्स ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट नहीं होती ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज में. और टाइकोइक एसिड से जो है उनकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनी हुई होती है तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता. तो मेसोसोम की जगह उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो टेक इंस्टेंस तो साइनोबैक्टीरिया जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. इसका फंक्शन क्या होता है? इसके अंदर मेसोसोम की जगह क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं. इनके पास पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में काम आता है. साइनोबैक्टीरिया अपना खाना ये स्वयं बनाती है इसलिए इनको फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं. तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इस पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपके पास जितना भी नोटिफिकेशन हो वीडियो का वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. थैंक्स अ लॉट.